गौरी, गौरी मेरी बात सुनो। गौरी, नहीं 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 गौरी, ये मत लगाना केमिकल इस पे। तुम्हें हमेशा के लिए अंधा कर देने का। मुझे सुनो गौरी, प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं, गौरी को ये पेरिस ट्रिप वाला प्लान बहुत अच्छा लगेगा। माफ कीजिएगा, ये कैसे टिकट्स है गर्जी? ये टिकट्स मेरे और गौरी के हनीमून पे जाने के टिकट्स हैं। आप गौरी के साथ हनीमून पे कैसे जा सकते हैं? तुम्हें भी चलना है क्या? गर्जी, आप एक किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं? कहीं आप पंडित तो नहीं? धोखा खा गई ना तुम भी। मजाक कर रहा था मैं। और हाँ, जा रहा हूं मैं गौरी के साथ हनीमून पे। अब इतने टाइम बाद हम दोनों की जिंदगी में खुशियां आई हैं, तुम अपनी नजर मत लगाओ। हम नजर नहीं लगा रहे, बल्कि हम तो गौरी की नजर छीनने वाले हैं। जी, हमारी आंखें, पता नहीं क्या हो गया, हमारी आंखों में बहुत जलन हो रही है। तुमने गर्व जी का प्यार, हम जिंदगी भर के लिए तुम कुछ भी नहीं देख पाओगी। कुछ कीजिए ना, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एसिड डाल दिया। कुछ नहीं हुआ गौरी, मैं हूं ना। अरे क्या हो गया गौरी की आंखों को? कहीं ऐसा तो नहीं कि उम्र भर के लिए इसकी आंखों की रोशनी चली गई? तुम अपनी बकवास बंद करो। कुछ नहीं होगा गौरी को, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। गौरी कुछ नहीं होगा। मॉम प्लीज डॉक्टर को फोन कीजिए। बिंदा मामी, डॉक्टर को फोन कीजिए जल्दी। इस गौरी की आंखों की रोशनी वापस नहीं आनी चाहिए। गौरी, पता नहीं इनके साथ क्या हुआ है, लेकिन इनकी आंखों की रोशनी चली गई है। क्या? गौरी की आंखों की रोशनी वापस चाहिए मुझे, कुछ भी करो। ऐसे करने से ठीक नहीं होने वाली गर्व जी। गर्व छोड़ो, ये क्या गुंडा करती है, तमीज से पेश आओ। डॉक्टर साहब, आप दवाइयां लिखिए, बताइए क्या कर सकते हैं हम। एक काम कीजिए, ये दवा चला कर देखिए, शायद इन दवाओं से गौरी जी की आंखों की रोशनी आ जाए। इसमें एक काला चश्मा लिखा है, कुछ वक्त के लिए इन्हें काला चश्मा पहना है ताकि बाहर की रोशनी से इनके आंखों को नुकसान ना हो। ठीक है, मैं चलता हूं। गर्व जी,
आज से गौरी हमारे कमरे में रहेगी। हम नहीं चाहते कि उसे ऐसी हालत में किसी भी चीज की परेशानी हो। हम इसका ध्यान रखेंगे। हाँ ठीक है, ये दोनों बुनकर बहनें एक साथ में रहे वही बेहतर है। हमारे बेटे को थोड़ा तो सुकून मिलेगा। ठीक है, हम अपना कमरा तैयार करते हैं। जिस किसी ने भी गौरी की आंखों की रोशनी छीनने की कोशिश की है ना, मैं उसकी जान ले लूंगा। हाँ बोलो, हमने कहा ना तुम्हें तुम्हारे बाकी के पैसे मिल जाएंगे, फिर क्यों फोन कर रहे हो हमें? और ये बताओ कि तुम्हें पूरा विश्वास है ना कि उसकी आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आएगी? अगर तुम्हारा ये केमिकल फेल हो गया ना, हम तुम्हें एक पैसा भी नहीं देंगे। समझ में आया? तो ये कारनामा तुम्हारा है। उसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, इसीलिए हमने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली। वो जिंदगी में कभी भी नहीं देख पाएगी। उसकी जिंदगी में ना हमेशा हमेशा के लिए अंधकार छा गया है। अच्छा किया। कहना चाहिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार कोई सही और अच्छा काम किया है। अब इसकी वजह से हमारे प्रॉपर्टी के पेपर्स हमें बहुत जल्द मिल जाएंगे। लेकिन एक बात याद रहे, गर्व को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो तुम्हारा खून कर देगा। ये तो बस शुरुआत है। इस गौरी को हमें इतने दर्द देने कि उसकी रूह कांप जाएगी। एक एक करके हम अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे। मैं बंटी के घर गया था, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। लोगों ने बताया कि वो महीने से घर नहीं लौटा। इसका मतलब हमारे घर में जो रह रहा है वो बंटी है। लेकिन माँ, ये भी तो हो सकता है ना कि वो घर हो और बंटी गायब हो गया। योगी काम करो, हमारे घर में जो लड़का रह रहा है 24 घंटे दिन रात उस पर नजर रखो, और आप पता लगाइए ये क्या किस्सा है, कौन है, कहाँ से आया ये लड़का। जी। लेकिन माँ, अगर वो आदमी बंटी हुआ तो गौरी को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें गौरी की कोई चिंता नहीं है, और युग तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ ये पता लगाना है ये लड़का गर्व है या बंटी है। हम सबके बीच रह रहा है ये युग, ये यहाँ क्यों आया है, किस लिए आया है? हम भी यही चाहते हैं माँ, कि वो आदमी बंटी ना हो। गौरी, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आया हूँ। अरे तुम रहने दो, मैं अपने हाथों से पिलाऊंगा तुम। गौरी, इसके हाथ से कुछ मत पीना। इसने जरूर इसमें कुछ मिला होगा। गौरी मत पीना इसके हाथ से कुछ भी। मैं साफ करता हूँ ना। वो हमें वॉशरूम जाना है। हाँ। तुम्हारे को पता है बे, हम तुम्हारी बीवी के साथ हनीमून मनाने पेरिस जा रहे थे, पर साला तुम्हारी नजर लग गई और वो प्लान कैंसिल हो गया। पर कोई बात नहीं बेटा, हम पेरिस नहीं जा पाए तो क्या हुआ, हम तो एक घर में ही उनके साथ सुहाग रात मनाऊंगा। जरा सोचो बे, कितना मजा आएगा तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी गौरी के साथ सुहाग रात मनाने में। हाथ मत लगाना, एक बार मेरे वहां से निकल गया ना,
मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं मार डालूंगा तुझे। दूर हो जा मेरी गौरी से। आ जाओ। बैठो। तुम आराम करो, मैं वो बर्तन रख कर आता हूँ। जी। लग रहा है कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये हमारा एक नाटक है, हमें सब दिखाई दे रहा है। और फिर गौरी को कुछ नहीं हुआ, गौरी देख सकती है। मेरा थैंक यू सो मच। गंगा दीदी को क्या लगा था कि वो काजल में मिलावट करेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? नहीं, हमने सब देख लिया था कैसे हमारी ही बड़ी बहन ने काजल में केमिकल मिलाया ताकि हम अंधे हो जाएं। हमें यकीन नहीं होता कि आप हमारी सगी बहन हैं। खैर, हम भी देखते हैं कि हमें बर्बाद करने के लिए आप किस हद तक गिर सकती हैं। गर्व जी आजकल बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। संदेहपन के नाटक से हम पता लगाएंगे कि ये हमारे असली गर्व जी हैं या फिर उनका हमशक्ल बंटी। तुम्हारे गर्व को तुम पर पूरा भरोसा है गौरी, मुझे यकीन है कि बहुत ही जल्द तुम इस बंटी की असलियत का पता भी लगाओगी और तुम्हारा गर्व यहाँ पे बंद है इस चीज का भी तुम पता लगाओगी। All the best। खैर अच्छा हुआ हमने गंगा दीदी की बात नहीं मानी और हम उनके कमरे में ना रहकर इसी कमरे में रुके। गंगा दीदी, गौरी, आप यहीं पर हैं? हाँ मैं यहीं हूँ, मुझे बताओ ना क्या चाहिए। एक्चुअली मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसे सरप्राइज? वो क्या है कि कल महाशिवरात्रि है और कल ही के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती एक हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि कल के दिन जो पति पत्नी एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। ये साड़ी कल तुम इसे पहनना और कल हम दोनों एक दूसरे को जयमाला पहनाकर हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तुम अभी आराम कर, बैठो इधर, मैं मॉम से बात करके आता हूँ, ठीक है? अच्छा बताओ ना बे, कैसे लग रहे हैं? हम लग रहे हैं एकदम गौरी के सपनों के राजकुमार। कहा है ना, ये देखो आज हमने वही शेरवानी पहनी है जिस दिन शादी के लिए पहनी थी गौरी से करने के लिए, पर तुम साला तुम वहां आ गए। हमारी शादी नहीं होने दी तुमने, पर कोनो बात नहीं, आज कोई नहीं आने वाला। आज गौरी और हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। खबरदार, अगर तूने ऐसा कुछ भी किया तो। अबे तुम सिर्फ चिल्ला सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। अब बेटा जो करेंगे ना वो हम ही करेंगे। अब थोड़ी देर में ना वो हमारी बाहों में होगी और हम उनकी बाहों में, और फिर अबे हमारे को तो बताते भी शर्म आ रही। चुप, एक बार मैं यहां से बाहर निकल गया ना तो तेरा जिंदा रहना नामुमकिन है, मैं तेरी जान ले लूंगा। गलत फहमी की कोनो दवा होती ना तो हम तुम्हारे को पिला देते। तो
शिवरात्रि की पूजा हमें असली गर्भ जी के साथ ही करनी है, इसलिए हमारे असली गर्भ जी का पता लगाने में हमारी मदद कीजिए। हमें कोई रास्ता दिखाइए। तू बेटा कितनी भी कोशिश कर ले, मेरी गौरी के महादेव तेरी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। बहुत जल्दी तेरा सच सबके सामने आएगा और तेरा अंत भी होगा, क्योंकि धोखेबाज लोगों की कभी जीत नहीं होती, समझा? और वैसे भी आज महाशिवरात्रि है और आज के दिन तो भोलेनाथ हमें कभी निराश नहीं करेंगे। चिल्लाओ भी चिल्लाओ, चिल्लाने की आवाज सुन के बिना हमारे को बहुत ही मजा आता है। हमें कोई रास्ता दिखाइए ताकि हम हमारी गर्भ जी को पहचान सकें। अब इस सच्चाई का पता लगाने में आपको ही हमारी मदद करनी होगी। अरे गौरी, तुमको क्या लगता है कि काला चश्मा लगा लोगी तो रसोई के काम से बच जाओगी का? नहीं बचोगी। इतना सोच धज के कहाँ चली? कौन के शादी में जा रही हो का? चुपचाप जाके रसोई में काम करो। हम जा रहे हैं नहाने के लिए, तब तक ना रसोई का काम पूरा हो जाना चाहिए, समझी का? की नीली आंखें, याद आया, खर्ची और बंटी की आंखों का रंग बहुत अलग है। बंटी तो अपनी असली आंखें छुपाने के लिए लेंस लगाता है। अब इस चीज से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे असली गर्भजी कौन है। शुक्रिया भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें रास्ता दिखाने के लिए। हम पता लगाएंगे कि हमारे असली गर्भ जी कौन है। ये सब क्या है गौरी? गर्भ जी वो हम हर बार शिवरात्रि की पूजा में पहले रुद्राभिषेक करवाते हैं। अफसोस की बात ये है कि इस बार आपको करना होगा, क्योंकि हम तो देख नहीं सकते। लेकिन मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? अरे आप कैसे करेंगे का क्या मतलब? आप हमारे पति हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं कर दूंगा। गर्भ जी, लेकिन उससे पहले आपको शुद्धि करनी होगी, दूध से स्नान करना होगा और शुद्धि के बाद हम पूजा करेंगे। पूजा के बाद हम एक दूसरे को माला भी पहनाएंगे। और ये सब करने की क्या जरूरत है, सीधा पूजा करते हैं। गर्भ जी पर पूजा पाठ का काम इस तरह नहीं होता है। अगर हम बिना शुद्धि के पूजा करेंगे तो कहीं भोलेनाथ नाराज हो गए, फिर क्या पता फिर हमें हमारी पूजा का फल भी ना मिले, इसलिए हमें शुद्धि करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं तैयार होकर आता हूँ। अब शुद्धिकरण के लिए यहाँ आइए। दूध का कलश लेके आइए।
भोलेनाथ, मेरी गौरी ने जिंदगी भर आपकी पूजा की है, उसकी उस पूजा की लाज रखना भोलेनाथ, उसके साथ कुछ गलत मत होने देना प्लीज। अगर ये इंसान बंटी है तो इस दवाई वाले दूध से इसकी आंखें जलेंगी और मजबूरन इसे अपनी आंखों से लेंस निकालना पड़ेगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.